सनम रे सॉन्ग के ऊपर कौन सा आर्पेजियो पैटर्न सूट करेगा, कैसे इस पैटर्न को स्टार्ट करना है, कौन से वेरिएशंस लाने इस पैटर्न में, एज वेल एज सब कुछ लेफ्ट हैंड से क्या क्या प्ले करना है सीखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो यहाँ पे इस सॉन्ग का जो स्केल हम यूज करेंगे, मतलब ओरिजिनल स्केल जो यूज हुआ है, दैट इज जी माइनर। सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक म्यूजिक प्ले होता है, तो पहले उसे प्ले करना चाहिए। किस तरीके से प्ले करना है देखते हैं। ये म्यूजिक प्ले करने के बाद यू नीड टू स्टार्ट विद द पैटर्न। तो पहले म्यूजिक प्ले हो रहा है, तब हमें जी नोट को दोनों ऑक्टेव में प्ले करना है इस तरीके से। दैट्स इट, इतना सिंपल है, ठीक है। चार बार, ठीक है, काफी आसान। जो मैं नॉर्मल कॉर्ड प्ले करता हूँ उसी के साथ ये नोट को ऐड कर देगा, जो हायर ऑक्टेव का नोट है। ये दोनों जी है, देखो एफ शार्प के नीचे दोनों जी नोट को प्ले किया, क्योंकि जी मेजर, जी माइनर कॉर्ड प्ले करना है, और ये जी नोट को मैं ऐसे प्ले करता गया। अब ये लास्ट में इतना करके मुझे पॉज करके उठा लेना, ठीक है। ठीक है, ये पैटर्न जो मैंने प्ले किया बहुत आसान सा पैटर्न यूज करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वन टू थ्री। अब ये मैंने कैसे किया, जो जी माइनर कॉर्ड हम प्ले करते हैं राइट, उसकी मिडिल नोट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, उसकी जगह पे फर्स्ट नोट एंड लास्ट नोट को प्ले किया अलग अलग साथ, एक साथ नहीं, एक एक के बाद एक, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब मैंने और एक जी नोट ऐड किया, जो कि मैंने यहाँ प्ले किया था, उसी को मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया। पूरे हाथ को उठा के लेके गया आगे, कॉर्ड का सेकेंड नोट मैंने प्ले किया इस तरीके से, देन इंडेक्स फिंगर से कॉर्ड का थर्ड नोट प्ले किया इस तरीके से, ठीक है। अब जब मैं ये लास्ट नोट प्ले कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने यहाँ पे जी नोट भी ऐड कर दिया, विच इज द फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक नोट थोड़ा सा वॉल्यूम ये ज्यादा देगा, ठीक है। ये वेरिएशन मैंने ऐड किया पैटर्न के साथ, जहां पे
ठीक है, कुछ नहीं किया, इतना पढ़ा हम कंप्लीट किया, उसके बाद एक बार जी नोट प्ले किया, देन एफ किया, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसका और एक अल्टरनेटिव पैटर्न आप यूज कर सकते हैं जहां पे स्लो करना है, इतना करना है, इसकी जगह पे इतना, नोट्स सेम है, बस टाइमिंग बदल गया। ठीक है, ये पॉज करके हमने जो ये क्रिएट किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, सारे जी माइनर कॉर्ड को उसको प्ले किया, ठीक है, ये अंतरा स्टार्ट करने पे फिर से ये पैटर्न मैंने प्ले किया। अब यहाँ पे एक और चीज आपने अगर नोटिस किया तो मैंने पैटर्न जो मैंने दो अल्टरनेटिव पैटर्न्स बताई उसको मैंने एक एक कॉर्ड पे चेंज किया। देखो कुछ कुछ पार्ट पे जब मैं प्ले कर रहा था तब मैंने ऐसा प्ले किया, दो अलग है देखे, तो दोनों अलग अलग पार्ट पे मैं अलग अलग चीजें प्ले कर रहा था, एक एक कॉर्ड पे एक एक पैटर्न। इस तरीके से आपको ये कुछ कुछ पार्ट पे पंचेस क्रिएट करने हैं एंड प्ले करना है। जब पूरा अंतरा चला तो अंतरे के पार्ट पे मैंने बस इस तरीके से नॉर्मल पार्ट प्ले किया, एंड सनम रे आया तब सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, अलग अलग कॉर्ड पे दो पैटर्न्स में से जो आपका मन कर आप यूज कर सकते हो, दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा पैटर्न यूज करना है, कौन से पार्ट पे, एंड एज वेल एज कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ स्टार्ट करना है। मैंने आपको एक रफ आउटलाइन दिया है कि अगर मैं कहीं पे इस सॉन्ग को परफॉर्म करूंगा तो हाउ विल आई प्रेजेंट माई सॉन्ग, तो दिस वॉज द वे इन विच आई विल प्रेजेंट दिस सॉन्ग। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि मेरे साथ क्या रिदम ट्रैक है या नहीं है, अगर रिदम ट्रैक है तो मैं इतने पंचेस में क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि वो रिदम ट्रैक का काम हो जाएगा ना, रिदम ट्रैक अपने आप वो पंचेस क्रिएट करेगा, सो आई डोंट नीड टू डू दैट। लेकिन अगर रिदम ट्रैक नहीं है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दैट पंच एंड हुक द ऑडियंस। ठीक है, इसलिए डिपेंड करता है कि आपके पास रिदम ट्रैक है या नहीं है। और ऑल्सो इसके साथ आपको ये
पैटर्न्स में वेरिएशंस लाना चाहिए कि एक ही पैटर्न आई वोंट सजेस्ट कि पूरे सॉन्ग में चलाइए, अलग अलग पार्ट पे स्टार्ट हो रहा है तो स्लो स्टार्ट कीजिए, देन पैटर्न को प्रिंट कीजिए, देन पैटर्न को चेंज कीजिए, देन अगेन अंतर आ जाता पॉज, देन आगे बढ़े, अंतरा खत्म हो। इस तरीके से आपको ये पूरा सॉन्ग प्ले करना है। अगर यहाँ पे आप इसका कोऑर्डिनेशन में स्ट्रगल कर रहे हो, ये सॉन्ग मैंने सिखा तो दिया आर्पेजियो पैटर्न के साथ, लेकिन अगर आप इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, यानी कि लेफ्ट हैंड से पैटर्न में आपने मेरे वीडियो से सीख लिया, राइट हैंड से सॉन्ग भी अपने कोई और यूट्यूब चैनल या किसी नोटेशन से सीख लिया, लेकिन अब दोनों को साथ में नहीं प्ले कर पाना, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाई एवरी पियानिस्ट जब वो आरपेजियो सीखने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस पार्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन वी हैव द सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, आरपेजियो का कंप्लीट सोल्यूशन हमने बनाया है हमारे पियानो कोर्स के अंदर। हमारा जो पियानो कोर्स है वो इंडिया का एकमात्र हाइब्रिड पियानो कोर्स है और इंडिया का नंबर वन पियानो कोर्स है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम प्री रिकॉर्डेड कॉन्टेंट के थ्रू आपको ये आरपेजियो को इतना डिटेल में जाके सिखाते हैं कि आपको और कहीं पर इंडिया में इतना डिटेल्ड हिंदी कॉन्टेंट नहीं मिलेगा और इतना क्वालिटी कॉन्टेंट स्टेप बाय स्टेप कॉन्टेंट नहीं मिलने वाला। साथ में हम देते हैं 6 इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। ठीक है, इस लाइव क्लासेस की मदद से आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप डायरेक्टली डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं एंड अपने डाउट्स का सोल्यूशन लाके अपने पियानो की जर्नी को, अपने पियानो लर्निंग की स्पीड को बूस्टअप कर सकते हैं। पता है, इस कोर्स में एनरोल करने के बाद आई गारंटी कि बस 8 हफ्तों के अंदर आप आरपेजियोस को मास्टर कर लेंगे एंड एफर्टलेसली आरपेजियोस को प्ले करेंगे, एंजॉय करेंगे अपने म्यूजिक को, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स एंड नाउ दे आर प्लेइंग आरपेजियोस ब्यूटीफुली विद देयर सॉन्ग्स, खुद डिजाइन कर रहे हैं पैटर्न्स को, एडवांस पैटर्न्स प्ले कर रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग्स, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड भी अवेलेबल है जिसकी मदद से आपको 40% डिस्काउंट मिल सकता है इस कोर्स के अंदर, मतलब हाफ प्राइस हो जाएगा इस कोर्स का। आपको बस मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है सनम40। सनम रे सॉन्ग है इसलिए इस कोड का नाम रखा हमने सनम40, SANAM40। सनम40 प्रोमो कोड यूज़ करके आपको 40% ऑफ मिलेगा, लेकिन ये प्रोमो कोड सिर्फ पहले 15 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेस करेंगे। तो अगर आप भी उन 15 स्टूडेंट्स में आना चाहते हो और कोर्स को आधे प्राइस पे परचेस करके अपने वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस प्रोमो कोड को यूज़ कीजिए सनम40 एंड अवेल द 40% डिस्काउंट ऑफर। साथ में कुछ भी डाउट लगे इस कोर्स के बारे में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम हमेशा आपके लिए एक्टिव है, आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिलेगा, डायरेक्ट कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर जवाब देगी। मैं मिलता हूँ कोर्स के अंदर, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।